है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में जो टॉपिक इस समय चल रहा है वो बीजेटी बायसिंग चल रही है। हम तीन बायसिंग स्कीम्स पढ़ चुके हैं, फिक्स्ड बायस, एमिटर बायस और कलेक्टर फीडबैक बायस, और लास्ट बायसिंग स्कीम जो हम पढ़ रहे हैं बीजेटी की, जो कि हमारी वोल्टेज डिवाइडर या फिर पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एकेडमिक एग्जामिनेशन एज वेल एज कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन हो। अगर मैं कहूं कि पांच में से यदि तीन बार कोई टॉपिक आएगा बायसिंग में तो वो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग होगा। और यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं एकेडमी में या फिर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, यदि आप प्रीवियस ईयर वीडियोस देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि हर बार, लगभग हर बार एक क्वेश्चन इस तरीके का सर्किट एग्जाम में न्यूमेरिकल का भरा हुआ है और पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग, और आपको क्वेश्चन पॉइंट निकालना है, दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट VCE and IC। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग के, तो एक बात आपको ध्यान रहे, आपको क्या करना होगा, आपको पहले और ऊपर जाइए प्लेलिस्ट में और फिक्स्ड बायस और एमिटर बायस और कलेक्टर फीडबैक बायस का वीडियो देखिए। यही देखने के बाद तब ये टॉपिक आपको आप ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे जाते हैं। आपको रूल्स पता है, हम बार बार वही बात बता रहे हैं जो हमें करनी है। हम कुछ नियमों का इस्तेमाल करते हैं, हम IE बराबर IB प्लस IC लेते हैं, और हर जगह जहां पर IC होता है उसे किससे रिप्लेस कर देते हैं, हर जगह जहां IC होता है उसे किससे रिप्लेस कर देते हैं, हम हर जगह उसे रिप्लेस कर देते हैं, हम बीटा IB से उसे रिप्लेस कर देते हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है इस पर्टिकुलर बायसिंग स्कीम में, इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ये सर्किट आए, सबसे पहला पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट कर लीजिए VTH। दोस्तों VTH होता है VCC into R2 upon R1 plus R2। यहीं से आपको नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे। आपने क्या कैलकुलेट किया, VTH कैलकुलेट किया आपने। VTH कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों आपको कैलकुलेट करना है RTH। RTH होता है R1 parallel R2, that is R1 R2 upon R1 plus R2। VTH और RTH निकालने के बाद जो ये सर्किट है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो बन जाएगा, वो ये सर्किट बन जाएगा आपका। दिस इज योर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो बन जाएगा आपका। और अब आप जो भी एनालिसिस करेंगे वो किस सर्किट के अंदर करेंगे, आप इस सर्किट के अंदर करने वाले हैं। रूल्स वही है, नियम वही है। पहले आईबी निकालिए, आईबी को बीटा से मल्टीप्लाई करिए और उससे आईसी निकालिए, और उसके बाद आप क्या निकालेंगे, उसके बाद आप आईसी की मदद से क्या निकालेंगे, वीसीई निकालेंगे। चलिए दोस्तों, तो अगर मैं इनपुट लूप की बात करूं, इनपुट लूप की बात करूं, तो देखिए ये क्लोज लूप मुझे यहां मिल रही है, ये मेरी इनपुट लूप कहलाएगी। और यदि मैं आउटपुट लूप की बात करूं, तो ये क्लोज लूप मुझे यहां मिल रही है, ये मेरी आउटपुट लूप कहलाएगी, और ये मेरे लिए इनपुट लूप है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वही लॉजिक वही कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए, अप्लाई करें इनपुट लूप में, अप्लाई KVL इन इनपुट लूप, अप्लाई करिए, बताइए क्या होगा, अप्लाई करिए क्या आएगा बताइए। VTH बराबर IB RTH प्लस VBE प्लस IEI प्लस IEI। दोस्तों हमें पता है कि हमें पहले कैलकुलेट क्या करना है, हम नियमों के हिसाब से पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IB। नाउ व्हाट यू डू, यू विल सिंपली पुट IBRTH प्लस VBE प्लस IE की जगह पुट करिए IB प्लस IC, और ये हो गया आपका I। क्लियर? अब आपने क्या किया, ये कैलकुलेट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद आप IC की जगह पे क्या कर सकते हैं, IC की जगह पे आप इजीली पुट कर सकते हैं बीटा आईबी, जो कि पुट करने वाले हैं आईबी प्लस आईसी की जगह पे क्या पुट करेंगे, बीटा आईबी पुट करिए, बीटा आईबी। ठीक है, अब और यहां पर ये प्लस है। अब लगभग सारा एक्सप्रेशन जो है वो आईबी के टर्म्स मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इजीली इसकी हेल्प से आईबी की वैल्यू निकाल सकता हूं। आईबी की वैल्यू क्या होगी, आईबी इज इक्वल्स टू VTH माइनस VBE अपॉन RTH प्लस 1 प्लस बीटा RE। क्लियर? RTH प्लस 1 प्लस बीटा RE, ये आपका आ गया एक्सप्रेशन IB का। और आप सबको पता है जब IB मिल जाता है तो उसका IC से मल्टीप्लाई करते हैं पहला पॉइंट निकालने के लिए। IC क्वेश्चन पॉइंट क्या होगा, बीटा इनटू इस एक्सप्रेशन को पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, VTH माइनस VBE अपॉन RTH प्लस 1 प्लस बीटा RE। डन, और ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन पॉइंट ICQ।
ICQ निकालने के बाद दूसरा ट्यूशन पॉइंट जो आपको निकालना है वो क्या है, सेकंड ट्यूशन पॉइंट जो कैलकुलेट करना है वो होता है VC, जो आपको पता है। और VC कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हैं मैं कहां KVL लगाने वाला हूं, KVL लगाऊंगा इस बार मैं आउटपुट लूप में, यहां मैं इस पोर्शन को बोर्ड में सॉल्व कर रहा हूं, कुछ लेंथी डेरिवेशन से बोर्ड पूरा भर जाता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, कौन कहता है कि बाइसिंग का टॉपिक जो है वो डिफिकल्ट है, यदि आप ये सारी प्लेलिस्ट के वीडियो देखने के बाद फिक्स्ड बायस, एमिटर बायस, कलेक्टर फीडबैक बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस, यदि एक पेन कॉपी उठा के इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से एक डेरिवेशन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो, चाहे कोई भी डेरिवेशन हो, यू कैन इजीली एबल टू डू इट, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटपुट लूप में केवीएल लगाइए, अप्लाई केवीएल इन आउटपुट लूप। दोस्तों आउटपुट लूप में केवीएल लगाइए, आउटपुट लूप में केवीएल लगाइए, क्या होगा पता है, वीसीसी माइनस आईसी आरसी माइनस वीसीई माइनस आईई आरई। तो वीसीई की वैल्यू इक्वल टू जीरो, वीसीई की वैल्यू क्या आई, वीसीसी माइनस आईसी और ये आईई आ रही है, आईसी आरसी माइनस आईई आर। कुछ किताबें असम्पशन लेती है दोस्तों कि आईसी किसके बराबर है, ऑलमोस्ट आईई के बराबर है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। वीसीई बराबर वीसीसी माइनस आईसी आरसी प्लस आरई, ये बॉक्स में बंद किया, ये आया सेकेंड पैरामीटर वीसी, ये हुआ आपका दिस इज वीसीसी, ये आपका आया यहां क्यू लगाया, क्यू फॉर ट्यूशन पॉइंट, क्लियर। दोनों पैरामीटर आ चुके हैं आपके आईसी क्यू और वीसी क्यू, 110% लेके टू एग्जामिनेशन में, चाहे वो फर्स्ट ईयर को चाहे सेकेंड ईयर का हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको एग्जाम में मिलने वाला है, कि एक SSR किताब के सामने बन के आएगा पोटेंशियल डिवाइडर का, और आपसे कहा जाएगा कि क्वेश्चन पॉइंट्स निकालिए VC और IC, और आप अगर इस वीडियो को आप ढंग से देख लें तो आप इजीली यू कैन कैलकुलेट। और दोस्तों इस बात को याद रहे कि यदि पेपर 70 नंबर का है तो ये न्यूमेरिकल मिनिमम 7 मार्क्स का आएगा, और यदि पेपर 100 नंबर का है तो ये न्यूमेरिकल कम से कम 10 नंबर का एग्जाम में आपके आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये न्यूमेरिकल आए, आप इसे अच्छे से सॉल्व करें और आपका सही आंसर आए और आप अच्छा स्कोर करें। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, यदि आपको हमारा टॉपिक बीजेटी बायसिंग जो कि हमने चारों वीडियोस में कवर किए, यदि वो आपको पसंद आए, यदि ये मुश्किल टॉपिक आपको लगा कि हमारे चैनल पे वीडियोस देखने के बाद आपको लगा कि ये टॉपिक आसान है और आप इसे कर पाएंगे, तो जरूर इसी समय हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, स्टे विद अस प्लीज।